सऊदी अरब और ईरान की सुलह करा दी। दोनों ममालिक सिफारती तालुकात की बहाली पर रजामंद। 2 माह में सिफारत खाने खोलने पर भी इत्तफाक। मामूलात बीजिंग में होने वाली बातचीत में तय पाए। शी जिनपिंग तीसरी मुद्दत के लिए चीन के सदर मुंतखब। हान जेंग नायब सदर बन गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। 2 तरफा तालुकात के मजीद इस्तेहकाम का आज़म। दहशतगर्दी का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम आम रवादारी और भाईचारे का दर्ज देता है। इस्लामोफोबिया के मसले से निमटने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मुस्लिम वर्ल्ड और आलमी बरादरी को खवातीन के हकूक के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क में खिताब और प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान सऊदी अरब तालुकात की बहाली चीन की तारीखी कामयाबी करार। इन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं निकाला, एक बदउनवान शख्स को, एक ना लायक शख्स को, एक ना अहल शख्स को, एक घड़ी चोर को कौम के सरों पे मुसल्लत कर दिया। कौम तुम्हें छोड़ेगी नहीं, माफ नहीं करेगी इंशाल्लाह। मैंने पहला लीडर नहीं बल्कि गीदड़ देखा है जिसने अपनी हिफाजत के लिए खवातीन रखी हुई है। जब तक मुकदमा चलते रहेंगे इसकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरेगा। अदालत के लिए बीमार, जलसों के लिए तैयार, इससे बड़ा मुनाफिक अपनी जिंदगी में देखा कहीं? मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों से पूछती हूं कि तुम इसकी चोरियां छुपाने के लिए क्यों तुम इसकी हिफाजत के लिए आते हो? इसको कहो अपनी हिफाजत खुद करे। अदालत के लिए बीमार, जलसों के लिए तैयार, ऐसा मुनाफिक कभी नहीं देखा। ये कौन सा जान का खतरा है जो जलसे जुलूसों में नहीं होता, पेशी हो तो लाहक हो जाता है। महाचोर खुलेआम दंदनाता फिर रहा है। जब तक मुकदमे चलते रहेंगे इसका पलस्तर नहीं उतरेगा। फितना खान ने अपनी हिफाजत के लिए खवातीन को ढाल बना रखा है। ऐसा बुजदिल शख्स लीडर नहीं हो सकता। कारकुन उसकी चोरियाँ छुपाने के लिए मार क्यों खाएं? मरियम नवाज का फैसलाबाद में खिताब। PTI दौड़ का IMF मुआहदा मुश्किल की वजह करार। अगर इस फितने और नासूर की शनाख्त अगर आवाम ने ना की और वोट की ताकत से इसे माइनस ना किया तो ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। इलेक्शन से ये मुराद नहीं है कि तुमसे तोशाखाना की चोरियों का हिसाब ना लिया जाए, तुमसे फॉरेन फंडिंग का हिसाब ना लिया जाए। और तुम जो ये भाग दौड़ कर रहे हो, ये इसी तरह से भाग दौड़ तुम करते करते आखिर थक जाओगे और उसके बाद फिर पकड़े जाओगे इंशाल्लाह। इमरान खान सियासी फितना, वोट की ताकत से माइनस ना किया तो ये मुल्क को हादसे से दो चार कर देगा। नून लीग इंतखाबात के लिए तैयार। इलेक्शन से मुराद ये नहीं कि तोशाखाना का हिसाब ना लिया जाए। तुम भाग दौड़ करते थक जाओगे फिर पकड़े जाओगे। राणा सनाउल्ला की गरज बरस। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने अमनो अमान बरकरार रखने के लिए 3.5 लाख इजाफी अहलकार मांग लिए। पंजाब में 52,000, खैबर पख्तूनख्वा में 15,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इंतहाई हसास मकामात पर CCTV कैमरे भी नस्ब होंगे। इजलास का एलामिया जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की ब्रीफिंग। वजारत दिफा से ब्रीफिंग मंगल के रोज तलब। पंजाब में इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरों की तकरीबी कर दी। 36 अजला के डिप्टी कमिश्नर DROs की जिम्मेदारियां निभाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पोलिंग 30 अप्रैल को शेड्यूल। इमरान खान ने जाली सर्टिफिकेट जमा करवाए हैं इलेक्शन कमीशन में और फॉरेन फंडिंग के फैसले की रोशनी में अब ये साबित भी हो चुका है और इलेक्शन कमीशन खुद अपने फैसले में ये लिखवा भी चुका है
कि ये इमरान खान ने जाली सर्टिफिकेट दिए हैं, तो इलेक्शन कमीशन के ही फैसले की रोशनी में हमने दरख्वास्त दायर की है और हम तवक्को ये करते हैं कि इस दरख्वास्त का फैसला आयन और कानून की रोशनी में किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहैसियत एक पार्टी भी बैन हो सकती है, कार्रवाई अभी चल रही है, लेकिन जो सबसे मैं समझता हूँ कि झूठे सर्टिफिकेट और झूठे बयान हल्फी देने पर जो सबसे कम सजा पार्टी की बनती है वो ये है कि उसका जो इलेक्शन सिंबल है उसे बैन किया जाए। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान अलॉट ना किया जाए, नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। मोहसिन शाहनवाज रांझा और तारिक फजल चौधरी की जानिब से दरख्वास्त दायर। इमरान खान ने झूठे हलफनामे जमा कराए, खैरात का पैसा सियासत के लिए इस्तेमाल किया। पीटीआई चेयरमैन डिक्लेयर झूठे हैं, बल्ले का निशान अलॉट नहीं होना चाहिए। रहनुमाओं की मीडिया टॉक। मुमलिकत की नहली के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाज़ुल अहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का दो रुकनी बेंच 15 मार्च को मुकदमा सुनेगा। आरिफ अलवी को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाहल करने की इस्तदा की गई है। इंसाफ के इस्तीफों की एक साथ मंजूरी के लिए दायर दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का तीन रुकनी बेंच 15 मार्च को मामला सुनेगा। पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया गया। महल हुक्मरान शिकस्त से खौफजदा, पीडीएम इंतखाबात से भागने के लिए हिले बहाने कर रही है। आईनी तौर पर कोई भी इदारा इलेक्शन में तावुन से इनकार नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की राह में रुकावट बने तो घर जाएंगे। इंतखाबात के बाद पंजाब में हमारी हुकूमत होगी। चौधरी परवेज इलाही की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। लाहौर में हंगामा आराई के दौरान पीटीआई कारकुन की मुबैना मौत। अली बिलाल को अस्पताल छोड़ने वाले अफराद की शनाख्त हो गई। पुलिस की उमर और जहांजेब से तफ्तीश जारी। अली बिलाल की मौत हादसे की वजह से हुई। इब्तदाई बयान। बलदियाती इंतखाबात के हवाले से मुतालबात। जमात इस्लामी का कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरना। मुलतवी शुदा 11 यूसीज में फौरी पोलिंग का ऐलान किया जाए। हाफिज नईम का शुरुका से खिताब। रवां साल 179,210 पाकिस्तानी फरीजा हज अदा करेंगे। दरख्वास्तों की वसूली 16 से 31 मार्च तक होगी। कुरानदाजी अप्रैल के पहले हफ्ते की जाएगी। डॉलर्स में अदायगी करने वालों को इस्तेस्ना। आजमीन के लिए उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। शुमारी रीजन के लिए अखराजात का तखमीना 11,75,000, जनूबी रीजन के लिए 11,65,000 रुपये। किसी को भी मुफ्त सहूलत हासिल नहीं होगी। नई हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। रुपए की गिरावट के बायस अखराजात पर असर पड़ा, फिर भी भारत बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुकाबले में कम है। वजीर बराए मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुआशी चैलेंजेस का सामना। पाक फौज किफायत शुआरी पॉलिसी पर अमल में आवाम के शाना बशाना। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की रवायती परेड महदूद पैमाने पर कराने का फैसला। इनका शकर बढ़िया के बजाय ईवान सदर में होगा। एक तरफ किफायत शुआरी, दूसरी जाने फजूल खर्चियां। खैबर पख्तूनख्वा में मरकजी रोयते हिलाल कमेटी के लिए शाहाना मेन्यू। महकमा औकाफ ने खुसूसी खानों की तैयारी के लिए टेंडर जारी कर दिया। महंगाई की दुहाई, एक हफ्ते में 1.37% इजाफा। मजमू शराह 42.27% तक पहुंच गई। 7 रोज के दौरान 29 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। आटा, कुकिंग ऑयल, घी और चीनी भी शामिल। रमजान से पहले गिराने के तूफान से आवाम परेशान। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 771वें उर्स की 3 रोजा तकरीबात का आगाज आज सेवन शरीफ में होगा। जायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम।